नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आज मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन के पास। कुछ लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तो आइए जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं जो पूरी की जा रही है या नहीं। मेरा नाम शालिनी कुमारी हजारीबाग से, मैं एक पंचायत सचिव की सफल अभ्यर्थी हूं। सारे लोग जो पंचायत सचिव की सफल अभ्यर्थी, हम लोग 5 साल से इस वैकेंसी में टाइम दिया है। 5 साल से हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं, तो उसी को लेकर के हम लोग अभी 19 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन आज से आमरण अनशन पर बैठे हैं क्योंकि हमारी बात सरकार सुन नहीं रही। हम लोग सबके जो होते हैं दरवाजे पे गए, सबने आश्वासन पे आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आपकी नियुक्ति पूरी करवाते हैं। लास्ट में हम लोग मजबूर हो करके सारे जूता चप्पल सब त्याग दिए हैं, अनशन पे बैठ चुके हैं। जाते हैं मंत्री लोग के घर तो पता चलता है मंत्री जी सो रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है हम लोग के पास मिलने के लिए। उन लोग खुद जब आ रहे थे, हेमंत सोरेन खुद आ रहे थे, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो आप लोग की नियुक्ति करवाएंगे, लेकिन आने के बाद वो तो राजा बन चुके हैं, लेकिन हम लोग के दर बदर ऊपर खाने के लिए छोड़ गए। अभी तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है, कोर्ट भी बोला है कि क्यों ना हम आप अवमानना का केस करें, लेकिन फिर भी ये जो सरकार है इतनी ढीठ हो चुकी कि हम किस कोर्ट का भी बात नहीं मानते, तो हम सब युवा बेरोजगार युवा कहाँ जाए। 4-4 एग्ज़ाम पास किए हैं, यहाँ तो एक एग्ज़ाम पास करना कितना मुश्किल होता है। हम लोग एक रूरल एरिया से बिलोंग करके संघर्ष करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचते हैं कि अपने समाज को डेवलप करेंगे, अपने राज्य को डेवलप करेंगे, लेकिन देखिए हमारी हालत क्या हो चुकी है कि आज हम लोग मृत्यु मांगनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग हर जगह गुहार लगा चुके हैं कि सर हमारी नियुक्ति कर दीजिए सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आपकी बस इच्छा शक्ति हो जाएगी तो आप हमारी नियुक्ति करवा देंगे। मात्र 1 मिनट का काम है और हम लोग खुश हो जाएंगे। आज ये माला पहन के बैठे हुए, क्या वो सरकार को चाहिए कि इस माले से हम लोग को सम्मानित करना चाहिए कि हम आए हैं कि लीजिए आप लोग की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इस माले से सम्मानित करते हैं, लेकिन देखिए आज हम लोग क्या मांग रहे हैं। सर माना चाहिए सरकार को कि हम लोग आज मृत्यु मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतने ठंड में इतने बारिश में भीग करके प्रोटेस्ट करके थक चुके, भूखे प्यासे बैठे हुए, तो अब हम लोग को मृत्यु के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और बस हम लोग सारे जो जितने युवा हैं सब मरेंगे और इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार पे ही होगी। सरकार अब जो करे, अब हम लोग ठान के ही चले हैं कि बस या नियुक्ति हम लोग को चाहिए नहीं तो सरकार हम लोग की मृत्यु दे दे। मैं पंचायत से बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से, जैसे कि सबको पता है कि आज जो ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक इस स्तर पे है कि पंचायत सचिव के युवाओं ने आज निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी हामी भर दी है, पुकार भर दिया है कि आज से हम लोग अन्न जल और जूते चप्पल सबको त्याग दे रहे हैं, और आज से ना तो हम जल खाएंगे, ना अन्न पिएंगे, ना जूता पहनेंगे, ना चप्पल पहनेंगे, और जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी हम ऐसे ही रहेंगे। और इस राजभवन के समक्ष हम बिल्कुल सरकार के सामने मृत्यु की मांग कर रहे हैं या फिर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, दो में से जो भी सरकार को पसंद आए हमें दे दें। आज बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आज आपका एनिवर्सरी है, शादी का साल गिरा है, और सुने हैं कि आपके यहाँ बड़े बड़े लोग पधार रहे हैं, आपके यहाँ तरह तरह के पकवाने बन रहे हैं, आपके यहाँ बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज पहुँच रहे हैं आपको बधाई देने के लिए, लेकिन वही आज झारखंड के वो बदनसीब, वो लाचार, बेबस बेरोजगार युवा आपके धरने, आपके समक्ष आपके घर के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। आपने एक कार्यक्रम चलाया था कि आपका अधिकार आपके द्वार झारखंड सरकार लेके आ रही, जो चलाया था आपने, तो आज झारखंड का बेरोजगार लेके मांगने के लिए पहुंचा है अपना अधिकार आपके द्वार, तो आप उनको अधिकार दीजिए। लगातार बेबस हैं, हमें नियुक्ति चाहिए या तो फिर मृत्यु चाहिए। आज हम लोगों ने अन्न जल को त्याग करके बिल्कुल सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कराइए आप। हम लोगों ने तमाम मंत्रिमंडल से मिला है, तमाम मंत्रालय से मिला है, महागठबंधन की सरकार से सभी मंत्रालयों से मिला है, सभी लोगों ने केवल हमें आश्वासन दिया है, और उस एक आश्वासन को छुपाने के लिए दूसरा आश्वासन दिया है, लेकिन अब ये आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरने वाला है और ना ही हमें रोजगार मिलने वाला है। हमें नियुक्ति दीजिए या तो फिर मृत्यु दीजिए, नहीं तो हम यहीं पर डटे रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। हो सकता है आने वाले 5 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद आप ही के कैमरे में किसी का लाश के बारे में आप जिक्र करेंगे कि एक युवा का हालत गंभीर हो गया है, कोई युवा आज मर चुका है, और तमाम युवा मरेंगे यहाँ पे।
और तमाम युवाओं के मौत का जिम्मा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कंधे पे जाएगा, क्योंकि हर एक मंत्रालय ने ये कह दिया है कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से बार बार अपील है कि आप हमारी नियुक्ति कराइए या तो फिर मृत्यु दीजिए। आपने इनकी मांगे सुनी, इनकी मांगे क्या है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी आप इस मांगे को पूरा करते हैं या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।